निजी संस्था है, जो सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय कोई भी विद्यालय है, उनमें जो छात्राओं की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में आपसे रूबरू होंगे। आप अपनी क्यूरीज यानी आप अपनी कोई समस्या हो उससे उसको भी पूछ सकते हैं आप इनसे, उनका समाधान करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और कोई नई कोई चीज होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो आप निसंकोच होकर के इनकी बातें सुने और सुनने के बाद आपकी कोई डाउट्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आज हम यहाँ पर स्त्री स्वाभिमान कार्यशाला करेंगे जिसमें आप सभी को अवेयर करेंगे मासिक धर्म क्या होता है, इससे हमें कैसे इसके दौरान साफ सफाई से रहें, और साथ में जैसे आजकल साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है तो उसके बारे में भी आपको जागरूक करेंगे कि आप उससे कैसे बच सकें, और बढ़ती एजुकेशन क्या बेनिफिट देगी आपको इस ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी का है उसको कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं और हम इससे आगे कैसे निकल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो साइबर क्राइम आज बढ़ रहे हैं वो फोन से और जैसे फेस टू फेस जैसे चोरी भी हो रही है, लेकिन उस सब को पीछे रह गए, लेकिन आजकल डिजिटली इतना साइबर क्राइम बढ़ गया है कि हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे फोन है हमारा, हम यूज करते हैं तो उसमें हम नॉर्मल पासवर्ड ना रखे और सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी रखे, जैसे उसमें अपना नाम लगा लेते हैं पासवर्ड में और जैसे डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, ये तो कॉमन चीज है। अगर वो साइबर क्राइम होगा तो वो पहचान जाएगा कि नॉर्मल सबसे पहले वो हैक करेगा अपने फोन को या किसी ईमेल को या फिर कोई भी चीज, तो सबसे पहले जैसे आपका फोन है उनको पता है कि ये अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड लगाएंगे या फिर अपना नाम लगाएंगे पासवर्ड में लिखेंगे या फिर अपने रिलेशन का कुछ भी जो भी लिखेंगे, तो हम ऐसा पासवर्ड ना लगा के और यूनिक पासवर्ड लगाएं अच्छे से हाई सिक्योरिटी। तो मैडम ने आपको बताया कि भाई कैसे हम बच सकते हैं क्राइम जो बढ़ रहा है उसके लिए। अब मैं आपको बताऊंगी जो कि स्त्री स्वाभिमान के बारे में। स्त्री स्वाभिमान मतलब है कि इस महिलाओं का मान सम्मान। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? समझदार। बोलते हैं ना स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट का गर्ल सुंदर नहीं होता, ठीक है ना। स्मार्ट का अर्थ होता है जो मतलब कि उत्कृष्ट होता है ना, किसी क्षेत्र के बारे में एक से अधिक क्षेत्र के बारे में जानता हो उसे क्या बोलते हैं? स्मार्ट। तो स्मार्ट का मतलब सुंदर मत मानना, स्मार्ट का मतलब होता है समझदार बनना। तो आपको क्या बनना है? स्मार्ट गर्ल। हमारे एक वो चलता है स्मार्ट गर्ल, सबको क्या बनना है? स्मार्ट गर्ल बनना है ना। मैम ने बताया कि साइबर क्राइम से हमें कैसे बचना चाहिए, अपना मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ भी साइबर क्राइम का जो मोबाइल फोन पे आता है फोन आता है तो हम कई बार कहते हैं कि 25 लाख ये लॉटरी लगी है वगैरह, है ना। तो इस पर हमें कुछ भी नहीं होता, केवल लालच देते हैं और लालच सबको पता है कि बुरी बला होती है और लालच में हमें नहीं पड़ना क्योंकि मेहनत की कमाई हमें सफलता लाती है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में युवा जागृति संस्थान बांसुर से ये एक टीम आई और उस टीम ने हमारे विद्यालय के अंदर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बालिकाओं को उन्होंने स्वाभिमान के बारे में बताया, ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उनमें किस प्रकार से स्वाभिमान होना चाहिए, उनको मासिक धर्म में कहां कोई दिक्कत आती है, संकोच आता है, ऐसी सारी जानकारियां दी गई। हम विद्यालय परिवार की ओर से इस पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।